स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सारे नेता, वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। आप दूर दूर से आए हैं, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। आपने सुना होगा, पहले बीजेपी के लोग अपने भाषण में आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। सुना आपने? सुना? ये वनवासी और आदिवासी शब्द के बीच में फर्क क्या है, कोई बता सकता है? ये आपको वनवासी क्यों कहते हैं, हम आपको आदिवासी क्यों कहते हैं? इन शब्दों के पीछे बहुत गहरी बात छुपी हुई है। आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के पहले मालिक हुआ करते थे, जिनका जिनका हिंदुस्तान की जमीन पर अधिकार बनता है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। तो सवाल उठता है कि बीजेपी के लोग आपको वनवासी क्यों कहते हैं, जो आपका असली नाम है आदिवासी, उस शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते? पता नहीं आपने देखा या नहीं, मध्य प्रदेश में एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें बीजेपी का एक नेता एक आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहा था। आपने ये वीडियो देखा? देखा? देखा ना? आपने कभी किसी बीजेपी के नेता को किसी जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? वीडियो देखा उसका? आपको नहीं दिखेगा। आप पूरे इंटरनेट को खोज लो, आपको कोई भी बीजेपी का नेता जानवर पर भी पेशाब करता हुआ नहीं दिखेगा, मगर आपको बीजेपी के नेता आदिवासी युवा पर पेशाब करते हुए दिखेगा। सही बात बोली? आप सर हिला रहे हो, सही है ना? बस ये आपकी जो आपका जो इतिहास है, आपकी जो भाषा है, आपके जीने का तरीका है, इसको ये खत्म करना चाहते हैं, इसको ये मिटा देना चाहते हैं, और इसीलिए वो आपको वनवासी कहते हैं। क्योंकि अगर वो आपको आदिवासी कहें तो फिर एक दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर ये आदिवासी हैं और ये हिंदुस्तान के पहले मालिक हैं, इस जमीन के मालिक हैं, जल के मालिक हैं, जंगल के मालिक हैं, तो इनको अधिकार मिलना चाहिए। अगर हम आपको आदिवासी कहें तो आपको अधिकार देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप पहले मालिक थे। ये जो जमीन है, पूरे हिंदुस्तान की जो जमीन है, आदिवासी शब्द का मतलब आप लोग इस जमीन के पुराने पहले मालिक थे। अगर आप लोग इस जमीन के पहले पुराने मालिक थे तो इस जमीन पर आपका हक होगा, होना ही पड़ेगा, जंगल पे हक होना ही पड़ेगा, जल पे हक होना ही पड़ेगा। मगर अगर आपको हमने वनवासी कहा तो आप कभी मालिक ही नहीं थे, आप तो जानवर जैसे जंगल में रहते हो, आपको कोई हक नहीं मिलना चाहिए,
आपके बच्चों को कोई शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, आपको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? आप तो जंगल में रहते हो, जंगल में जानवर भी रहते हैं, जानवर के लिए कोई अस्पताल नहीं खोलता, जानवर के लिए कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं खोलता, तो फिर वनवासी के लिए क्यों खोले? यह है बीजेपी की सोच। अब दूसरी बात देखिए, आज से 10 साल 20 साल बाद जंगल गायब हो जाएगा। जंगल कम हो रहा है या ज्यादा? कम हो रहा है ना, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो एक दिन ही आपसे कहेंगे, भैया आप हो वनवासी मगर जंगल तो है ही नहीं, तो चलो जंगल गायब हो गया, आप वनवासी हो, चाहे भीख मांगो, बड़े बड़े शहरों में जाओ, वहां पे भीख मांगो, किसी के घर में जाके झाड़ू पोछा करो। वनवासी का यह मतलब है कि आपका कोई भविष्य ना हो और आपकी जो हिस्ट्री है, जो संस्कार हैं, वो भी गायब हो जाए, तो ना आपका भविष्य हो ना आपका बीता हुआ समय। और हम कहते हैं नहीं, हम कहते हैं ये आदिवासी हैं, आदिवासी रहेंगे, इनका हक बनता है, जमीन पर हक बनता है, जल पर हक बनता है, जंगल पर हक बनता है, और कांग्रेस पार्टी जो इनका हक है इनको दे के रहेगी। अब मैंने ये बात उठाई, मजे की बात देखिए, मैंने बात उठाई, पहले नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में कहते थे, वनवासी शब्द का प्रयोग करते थे, जहां भी जाते थे वनवासी वनवासी वनवासी। अब उनके भाषण देखिए, अब इन्होंने वनवासी कहना बंद कर दिया। दिमाग में वनवासी शब्द मुंह पर, जबान पर आदिवासी शब्द, मतलब सोच आपको मिटाने की, आपकी जमीन अदानी जी को देने की, आपकी भाषा को खत्म करने की, और शब्द आदिवासी। कोई आरएसएस का आदमी आपके पास आए तो उससे पूछिए, ये आपने वनवासी शब्द, इसका जो आप प्रयोग करते हो, ये हम सब पर अपमान है, ये आप क्यों प्रयोग करते हो? हम इस देश के असली मालिक हैं। आदिवासी आपसे पहले आए थे, ये जमीन हमारी, ये जल हमारा, ये जंगल हमारा, इस पर हमारा हक बनता है। ये वनवासी शब्द आप मत बोलिए हमारे सामने। पैसा कानून हम लाए, जमीन अधिकरण बिल लाए, ट्राइबल बिल लाए, मनरेगा लाए, और हमने साफ लिखा था कि अगर आदिवासी की जमीन लेनी है, कोई भी कारण हो, अगर सरकार को आदिवासियों की जमीन लेनी है तो जनसभा से पूछ के ली जाएगी, आदिवासियों से पूछ के ली जाएगी। अगर आदिवासियों ने मना किया तो कोई शक्ति उनकी जमीन नहीं ले सकती। यह हमने कानून आपको दिया। और बीजेपी ने इस कानून को खत्म किया। वो कहते नहीं, जनसभा से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, ये जमीन आदिवासियों की नहीं है, जंगल आदिवासियों का नहीं है,
वो कहते हैं जल आदिवासियों का नहीं है, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। हम कहते हैं नहीं, आदिवासियों का है, रहेगा, और इस जल का, जंगल का, जमीन का अधिकार उनका है और फायदा उनको मिलना चाहिए। यह सोच में फर्क है। अब देखिए दूसरी बात, देखिए अभी आपके यहां पे नेता ने कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल सरकार ने खोला है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसमें हम अंग्रेजी सिखाते हैं, हाई क्वालिटी स्कूल है, सबसे महंगे प्राइवेट स्कूल जितना, जितनी बढ़िया यहां पे शिक्षा मिलती है। आप किसी बीजेपी के नेता से पूछे, वो आपको कहेंगे देखिए आप ऐसे करिए, आप हिंदी सीखिए, आप छत्तीसगढ़िया मत सीखिए, आप अंग्रेजी मत सीखिए, हिंदी से काम चलाइए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आदिवासी बच्चों को अंग्रेजी सीखनी चाहिए, हां या ना? नहीं सीखनी चाहिए? सीखनी चाहिए ना? क्यों सीखनी चाहिए? क्या फायदा है अंग्रेजी का, बताइए, क्या फायदा है अंग्रेजी का? हां, मैं बताता हूं आपको। किसी आदिवासी युवा को अगर छत्तीसगढ़ में काम करना है, छत्तीसगढ़ के लोगों से बात करनी है, तो छत्तीसगढ़िया चलेगी, सही बात। अगर आप कभी यूपी जाओ, बिहार जाओ, दिल्ली जाओ, वहां के किसी व्यापारी से बात करनी हो, वहां काम करना हो, तो हिंदी चलेगी। और अगर आपको कंप्यूटर का काम करना हो, विदेश जाना हो, विदेशी कंपनी में काम करना हो, कॉल सेंटर में काम करना हो, तो अंग्रेजी चलेगी। अपने बच्चों को सारे के सारे बीजेपी के नेता इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं। यहां के नेताओं से आप पूछ लो, भैया आपके जो बच्चे हैं वो कहां पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं? सारे के सारे कहेंगे कि भैया हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। अच्छा, तो आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो आदिवासियों के बच्चे, गरीबों के बच्चे इंग्लिश क्यों ना पढ़े? भाइयों बहनों, ये चाहते हैं कि आप देश की सबसे अच्छी नौकरियां, आपके हाथ ना आए। ये चाहते हैं कि इनके बच्चे अंग्रेजी पढ़े, आपके बच्चे अंग्रेजी ना पढ़े, इनके बच्चे इंजीनियर बने, इनके बच्चे डॉक्टर बने, इनके बच्चे दबाकर पैसा कमाएं, और आदिवासी, जिसको हम आदिवासी कहते हैं, वो जंगल में रहें। हम चाहते हैं कि आप हिंदी सीखिए, आप छत्तीसगढ़िया सीखिए, आप अंग्रेजी सीखिए, और जो भी आप सपना देखना चाहते हो, इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, लॉयर बनने का, सॉफ्टवेयर कंपनी चलाने का, अमेरिका में जाने का, जो भी सपना आपके बच्चे देखना चाहें उसको पूरा कर पाए। ये हमारे बीच में उनके बीच में फर्क है। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के किसान को धान के लिए कितना पैसा मिलता है, कितना मिलता है, रेट क्या आजकल कितना है? 2640, सही। हमने वायदा किया था पिछले चुनाव में कि 2500 रुपए धान के लिए मिलेगा,
किया था, आप सिर हिला रहे हो, किया था ना, मैंने किया था, वायदा पूरा हुआ हुआ। आज 2500 नहीं 2640 मिल रहे हैं। आपने हमें यह तो नहीं कहा कि भैया इसको बढ़ाओ, हमने बढ़ा दिया। और मैं आपको आज स्टेज से कह रहा हूं कि कुछ ही समय में यह 3000 हो जाएगा। जो खेत पर मजदूरी करते हैं उनको हम साल का 7000 रुपए देते थे, चुनाव के बाद उनको 10000 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। और लाखों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी जैसे बड़े से बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया। हमने उनका कर्जा माफ नहीं किया, हमने छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ किया। तो वो आपकी जमीन छीनकर अदानी को देते हैं, हम आपकी जमीन को आपके हवाले करते हैं, हम किसानों का कर्जा माफ करते हैं, मजदूरों को पैसा देते हैं, वो अदानी जी जैसे लोगों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हैं। मैंने आपसे कहा भैया वायदा किया था 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान के लिए देने का वायदा किया था। मैंने आपको पूछा भैया पूरा हुआ, आपने कहा। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे वायदा किया था 15 लाख रुपए मिलेंगे बैंक अकाउंट में, मिल गए। आज कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी ने आज कहा था कि नोटबंदी करूंगा और काला धन मिट जाएगा देश से, मिट गया। काला धन ज्यादा हो गया। उन्होंने कहा था जीएसटी लाऊंगा देश में प्रगति होगी। भैया जीएसटी से यहां किसी को फायदा हुआ? महंगाई बढ़ गया। कांग्रेस के समय 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज कितने का मिल रहा है? ये देखो 1200, हमारे समय 400 मिलता था, चुनाव के बाद 500 रुपए की सब्सिडी गैस सिलेंडर मिल जाएगी आपको। अब नरेंद्र मोदी जी आते हैं कहते हैं भैया वायदा कर जाते हैं 15 लाख रुपए दे दूंगा बैंक अकाउंट में, जीएसटी से सबको फायदा मिलेगा, किसान के कानून ला रहा हूं किसानों के लिए, उधर किसान धरना कर रहे हैं, पूरे देश के किसान कह रहे हैं भैया हमें ये कानून नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नहीं भैया इनको समझ नहीं है, और कानून अदानी जी के लिए बना रहे हैं, यहां आपकी खदान उठा के दे देते हैं अदानी को, आपका जंगल दे देते हैं, जल दे देते हैं, तेंदुपत्ता को आपको क्या रेट मिलता है? पहले 2000 रुपए मिलता था, आज 4000 मिल रहा है। किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। और चुनाव के बाद आपको 4000 रुपए एक बोनस मिल जाएगा तेंदुपत्ता के लिए। अब आप कहोगे भैया बीजेपी बड़े बड़े उद्योगपतियों को पैसा देती है और कांग्रेस पार्टी छोटे व्यापारियों की मदद करती है, आदिवासियों की मदद करती है, दलितों की मदद करती है, गरीबों की मदद करती है, फर्क क्यों? मैं आपको बता देता हूं। हम जानते हैं कि जब हम किसान को पैसा देते हैं, मजदूर को पैसा देते हैं, तो किसान और मजदूर आदिवासी पैसे को गांव में शहर में खर्च करते हैं, ठीक है, शहर में खर्च करते हैं। तो पैसा कहां जाता है? गांव में जाता है, शहरों में जाता है, कस्बों में जाता है। किसान गांव में कुछ खरीदता है, मजदूर को हम पैसा देते हैं, आपको हम 4000 रुपए देते हैं, आप गांव में कुछ खरीदते हो, फायदा किसको होता है? छोटे दुकानदार को होता है। और छत्तीसगढ़ की पूरी अर्थव्यवस्था
मजबूत हो जाती है। अब बीजेपी क्या करती है, अदानी जी को पैसा देती है, अरबपतियों का कर्जा माफ करते हैं। भाई और बहनों, क्या अदानी जी आपके गांव में आके पैसा खर्च करते हैं, एक रुपया डालते हैं आपके गांव में, छोटे शहरों में एक रुपया डालते हैं? नहीं, वो लंदन में, अमेरिका में, जापान में बड़ी बड़ी इमारतें खरीदते हैं, बिजनेस खरीदते हैं। तो बीजेपी की सरकार में बड़े अरबपतियों का फायदा होता है और किसान, मजदूर, आदिवासी देखते रह जाते हैं। हमारी सरकार में हम सीधा का सीधा पैसा गरीबों के हाथ में डालते हैं, 2500 रुपए किसान, कुछ ही समय में 3000 हो जाएगा, 10000 रुपए मजदूर, 500 रुपए सिलेंडर के माफ, आदिवासियों को 4000 रुपए का बोनस, 4000 रुपए हर बोरी के लिए, तेंदुपत्ता के बोरी के लिए, पैसा सीधा आपके जेब में जाता है, आपका भी फायदा होता है, पूरे प्रदेश का फायदा होता है, पैसे की कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ गरीब प्रदेश नहीं है, बीजेपी जब सरकार में आती है छत्तीसगढ़ का पैसा उठा के उद्योगपतियों को दे देती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस प्रदेश में गरीबों की सरकार, छोटे व्यापारियों की सरकार, आदिवासियों की सरकार, दलितों की सरकार चले, और यह काम हम ही करते हैं। और एक सबसे जरूरी बात आप भूलिए मत, ये जो वनवासी शब्द है, ये आपके इतिहास पे, आपके जीने के तरीके पर आक्रमण है। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो, और ये जमीन जो है, ये जमीन जो है आपकी है। मैंने 3000 रुपए की बात की, 3000 रुपए प्रति क्विंटल धान के, मगर वहां नहीं रुकेगा भाई और बहनों। मेरा कहना है कि हमने वायदा किया 2500 का, आज 2640 है, कल 3000, और वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। जितनी आपकी जरूरत होगी उतना पैसा किसानों को कांग्रेस पार्टी देगी। और वही तेंदुपत्ता के साथ होगा, आज 4000 है, वो आस्ते 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 आपकी जरूरत के साथ बढ़ता जाएगा। हम आपकी सरकार चलाना चाहते हैं, आदिवासियों की, गरीबों की, दलितों की, आपकी बात सुनकर हम सरकार चलाना चाहते हैं। आप दूर दूर से आए, इसके लिए दिल से आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।